हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न ढोकला। स्वीट कॉर्न ढोकला बनाने के लिए हमने लिया है, ये एक कप हमने फ्रेश स्वीट कॉर्न लिए है, एक कप हमने बारीक वाला सूजी लिया है, एक कप हमने दही लिया है, ये एक टेबलस्पून हमने पाउडर शुगर लिया है, ऑयल हमें तड़का लगाने के लिए लगेगा, एक टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, एक टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट है, ये एक टेबलस्पून हमने लेमन जूस लिया है, धनिया पत्ती हमें गार्निशिंग के लिए लगेगी, और ये थोड़े करी लीव्स लिए हैं हमने जो हमें तड़के के लिए लगेंगे। ये एक सैचे मैंने इनो लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/4 टीस्पून राई है, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, मैंने एक टेबलस्पून लिया है, और थोड़ा सा हमें हींग लगेगा। तो आइए स्वीट कॉर्न ढोकला बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी हम बैटर बना लेते हैं। ये पहले मैं बाउल में सूजी डालती हूँ, बड़े बाउल में। इसमें मैंने मिक्सी में दही चर्न करके लिया है, ये मैं इसमें मिक्स करती हूँ। दही और सूजी अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अभी इसी मिक्सी के जार में हम ये कॉर्न पेस्ट कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये हमारे सूजी के मिक्सचर को रख के 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। ये मैंने स्वीट कॉर्न मिक्सी में बारीक करके लिया है, इसका पेस्ट बना के लिया है मैंने, ये मैं इसमें मिक्स करती हूँ। बाकी की चीज़ें भी हम इसमें मिक्स करेंगे। ये नमक हमने लिया है 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर है 1/4 टेबलस्पून, एक एक टेबलस्पून, एक टेबलस्पून जिंजर और एक टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट हमने इसमें डाला है। ये पाउडर शुगर है 1 टेबलस्पून, ये मैं इसमें ऐड करती हूँ, और ये लेमन जूस हमने 1 टेबलस्पून लिया था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। मेरा दही थोड़ा कम खट्टा था इसलिए मैंने इसमें लेमन जूस डाला है। अगर आपका दही अच्छे से खट्टा है तो लेमन जूस डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसमें मिक्स करती हूँ। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए, पहले हम अभी इसे ग्रीस करके लेते हैं। इसमें हम ढोकला बनाने जा रहे हैं। मिक्सचर को रख के 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे एक बार वापस से अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी पतली चाहिए। अभी ये मिक्सचर में मैं ये इनो सैचे जो मैंने लिया था वो मिक्स कर रही हूँ। एक सैचे मैंने पूरा लिया है इनो का, और अभी इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मिक्सचर का टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे मोल्ड में डालेंगे। ये मैं मोल्ड में अभी इसे मिक्स, इसे हम थोड़ा सा टैप करेंगे और इसे स्टीम करने के लिए स्टीमर में रखते हैं। यह हमने पहले ही स्टीमर में पानी डाल के बॉईल होने के लिए रखा था, पानी बॉईल हो चुका है। अभी हम ये ट्रे इसमें रखेंगे और इसे 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। आइए फ्रेंड्स, हम चेक कर लेते हैं। हमारा ढोकला बहुत अच्छे से फूल चुका है, इसे हमने 20 मिनट के लिए रखा था। अभी मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर लेती हूँ और इसे ठंडा होने देती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ढोकला अभी ठंडा हो चुका है। हम इसे साइड से थोड़ा सा निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा बना है हमारा ढोकला, अच्छे से फूल चुका है। ये हमने इसे सभी साइड से निकाल लिया है। अभी मैं इसके चौकोनी पीसेस करती हूँ। ये ढोकले को हमने कट करके लिया है। अभी हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे, तो आइए तड़का बनाते हैं। ये हमने तड़का पैन रख लिया है, इसमें मैं ये ऑयल डालती हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें ये राई डालेंगे, राई को फूटने देंगे। राई फूटने के बाद हम इसमें ये 1 चम्मच हींग डालेंगे, करी पत्ता और हरी मिर्च डालेंगे, गैस की फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं। और फोड़ने को हम ढोकले के ऊपर डाल देते हैं। ये ढोकले के ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया पहले डाल लेते हैं। अब जो ये हमने तड़का बनाया है, ये तड़का इसके ऊपर हम डाल देते हैं। तड़का हमने अच्छे से इसके ऊपर डाल दिया है। 5 मिनट हम अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्वीट कॉर्न ढोकला बनके तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा और स्पॉन्जी बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।